एक्चुअली मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज बेसिकली हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, सेकेंड एनिवर्सरी है। तो हम लोग मैं थोड़ी देर पहले वापस आया था, तो वापस आके नहा के फ्रेश होके अभी मैं निकल रहा हूँ, इसके मैडम के साथ ही निकल रहा हूँ। तो एक्चुअली उसका पहले केक डिलीवरी करना है, उसके जैसे होम बेकरी का उसका काम है, उसका मतलब पैशन है, बिजनेस है, पैशन है। तो उनका केक का ऑर्डर है, तो केक डिलीवरी करने जाना है। हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ पे डिलीवरी करने? भवानीपुर। तो भवानीपुर से हम लोग अभी वहाँ से निकलेंगे, प्लान है लेक मॉल के, वहाँ पे बार्बिक्यू नेशन। सो चलिए, रास्ते पे तो आज होगा नहीं, क्योंकि मोटो ब्लॉक का सेटअप मैंने लगाया नहीं, तो डेस्टिनेशन में पहुँच के फिर बात करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा अच्छा वीडियो आता है यहाँ पे, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लेट्स गो। फिलहाल हम लोग अभी लेक मॉल आज पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे कुछ ब्योमकेश मूवी का प्रमोशन और कुछ तो है यहाँ पे, तो बहुत भीड़ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसा है, अभी लेक मॉल में हम लोग अभी थोड़ा ऐसे ही घूमेंगे। अभी सोच रहे हैं कि मतलब कोई मूवी देखा जाए, बट एक्चुअली है कि बार्बिक्यू नेशन में हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ 9 बजे से 9:30 बजे के अंदर, मतलब लास्ट एंट्री 9:30 बजे से है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि मूवी देखने अंदर गए तो टाइमिंग होगा कि नहीं, इसलिए हम थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। तो सोच रहे अभी एक बार बार्बिक्यू नेशन चला जाए, वहाँ पर पूछ लिया जाए कि अगर अभी हो तो अभी, फिर हम लोग खाना खा के फिर मूवी देख सकते हैं। अगर अभी नहीं हुआ तो देखते हैं, लेट्स सी। A few inches later. तो एक्चुअली अभी मैं गया था, जाके बात करके आया बार्बिक्यू नेशन में, तो टाइमिंग थोड़ा चेंज करवाया मैं। अभी हम लोग अभी एंट्री ले रहे हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे उनका वो ओपनिंग है, तो 6:30 बजे हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पीछे ये जो स्केलेटर जाता है, तो इसके ऊपर से हम लोग को जाना पड़ेगा ऊपर सिनेपोलिस, सिनेपोलिस जाके हम लोग देखते टाइमिंग क्या है मूवी का। जैसे मैं बोल रहा था, एक्चुअली लेक मॉल में आज क्या है, लेक मॉल में आज ये देखिए ब्योमकेश का ट्रेलर लॉन्च है। तो 5:30 बजे तो दिया है टाइमिंग, अभी लगभग 6:30 बजे आया है, तो अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको भीड़ दिखा रहा था मैं, तो इसलिए पूरा एकदम भीड़ अभी जमा हुआ है। ट्रेलर लॉन्च है आज ब्योमकेश का, लेट्स सी अगर देख पाएंगे तो सही है। फिर अभी तो फिलहाल ऊपर जा रहे हैं टिकट के लिए बात करने। तो अभी सीन ऐसा है कि मूवी का टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले बारबेक्यू में जाएंगे, उसके बाद अगर हम लोगों को टाइम मतलब मिलता है तो भी हम लोग मूवी देखेंगे, नहीं तो आज घर जाएंगे। अभी आ चुके हैं, अभी तो प्रमोशन शुरू होने ही वाला है, ऑफिशियल टीजर अभी होने वाला है। নাম পাউল নাম
अभी 7:45 बज चुके हैं, हम लोग अंदर जाने वाले। Hours later. तो फिलहाल हम लोगों का बारबेक्यू नेशन का डिनर कंप्लीट हो गया, तो सोच रहे थे मूवी देखने जाएंगे, बट 5-10 मिनट ओवर हो चुका है, तो फिलहाल मूवी नहीं देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी घर पे जाके सिर्फ सोना है, पेट भर के एकदम एक्चुअली पूरा फिलअप हो चुका है। खाना कैसा था बोलिए, बारबेक्यू नेशन का? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, एंड उन लोगों का जो डेजर्ट का है, जो सेक्शन है, बहुत बहुत बढ़िया है। इसको तो सिर्फ डेजर्ट से ही प्यार है, स्वीट्स, पेस्ट्रीज एंड ऑल। तो खाना बढ़िया था, 3-4 डिशेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वन ऑफ देम दैट चिकन करी, राइट? चिकन करी, चिकन सिजलर, सॉरी मटन सिजलर, चिकन विंग्स था शायद, चिकन विंग्स था। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी लगा मुझे, बढ़िया था। बाकी सब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में, हम लोग तो पार्किंग में जाना, बेसबिन में है, तो अभी पार्किंग में जाएंगे, अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी घर पहुँच के बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि रात मतलब घर में पहुँच के वीडियो एंड करते हैं, तो रात को और वीडियो एंड नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट डे मैं अभी एंड कर रहा हूँ वीडियो। तो देखिए बारबेक्यू नेशन में खाना ठीक ठाक था, अच्छा था, ठीक ठाक मतलब अच्छा था, बहुत सारा डिशेज अच्छा था जैसे मैं बोल रहा था। तो हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मूवी देखना हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। बाकी टेलर लॉन्च जो था बोंकेस का बहुत अच्छा था, तो दिन अच्छा कटा हम लोगों का। और बाकी मैं कुछ खाने का फ़ोटो, अभी जो हम लोगों ने डिशेज लिया था तो उसका फ़ोटोज़ मैं आपको मतलब यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीडियोज़ अलाउड नहीं था। एक्चुअली मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो दिल से जो आता है मैं वही बोलता हूँ। तो अगर कोई गलती लगा या मुझे कुछ ठीक करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड बने रहिए चैनल के साथ, एक साथ ही हम लोग ग्रो करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू वेयर ए हेलमेट एंड एंजॉय योर लाइफ माय फ्रेंड्स। Thank you.